हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस यूनिट का, और टॉपिक का जैसा कि नाम है, हाउ टू ड्रॉ एन SFG फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए SFG कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी तक आपने देखा था कि आपके पास यदि ब्लॉक डायग्राम था तो उसे आप SFG में कन्वर्ट कर देते थे, उसे SFG ड्रॉ कर देते थे, और SFG को ड्रॉ करने के बाद मेशन्स गेन फॉर्मूला लगा के आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर देते थे। बट नाउ द सिचुएशन इज, आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से आपको ड्रॉ करना है SFG। नेटवर्क सिस्टम संदीप पाटीदार सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं बच्चे, आप पहले नेटवर्क और कंट्रोल सिस्टम को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन कर दीजिए। बाकी जो जो सब्जेक्ट जी सांट्रिक पे अवेलेबल है वो आपके लिए बेनिफिट करने वाले हैं। एज पर नाउ आने वाले हैं सब्जेक्ट, और कुछ टाइम बाद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सो कंटेंट आपने देख लिया, बेहतरीन तरीके से हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। देर विल बी सो मेनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम आवर साइड फॉर यू पीपल। ठीक है, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेते हैं और फिर SFG कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास सर्किट एलिमेंट्स रहेंगे, RLC एलिमेंट्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद आपके पास रहेंगे। तो एक मैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके लिए यहाँ से ले लेता हूँ। ये दिस इज नथिंग बट R1 ओवर हियर, लेट्स टेक इट L। ठीक है, इंडक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया है। अक्रॉस दिस इंडक्टर आई एम टेकिंग द आउटपुट, यहाँ पे इसके अक्रॉस मैं आउटपुट ले रहा हूँ। आउटपुट की वैल्यू V0T मैंने लिखी हुई है। इनपुट वोल्टेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट VIT, और आपके दो एलिमेंट से R और L। ये सिंपल सा सर्किट दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका SFG ड्रॉ करिए। ठीक है, इसका सिंपल SFG ड्रॉ करिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जहां तक बात इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की करूँ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास होते हैं एलिमेंट्स और सोर्सेस, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास क्या होता है, एलिमेंट्स, वेदर इट्स R, L या C, और सोर्सेस होते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट्स और व्हाटएवर इट इज। इनपुट सोर्स रहेगा आपके पास और आपके पास रहेगा एलिमेंट्स, यस और नो। SFG में आपके पास क्या रहता है, जब हम SFG ड्रॉ करते हैं तो SFG में हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आपके पास ये जो नोड दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट द नोड्स, ये सारे जो है ये नोट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, SFG में हमने डिस्कशन किया ना, SFG में जब पढ़ा था, नोट्स जो है वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्रांच का एरो है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और इसकी जो वैल्यू है, लेट्स टेक इट G फॉर गेन ऑफ द ब्रांच। इन दो नोट के बीच में जो रिलेशन है गेन का, है ना, वो आपका एलिमेंट से ये जो है इससे दिया जा रहा था। तो SFG जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से इसमें आएंगे तो दो चीजों की आपको आवश्यकता लगने वाली है, एक तो ये जो गेन है आपका, दिस इज नथिंग बट द गेन, है ना, और दूसरा है वेरिएबल्स। सो अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप मुझे बताइए वेरिएबल कौन है, बताइए जरा, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से SFG ड्रॉ करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो वेरिएबल्स है वो कौन है। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में RLC एलिमेंट्स है, उनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट है ना, उनके अंदर वोल्टेज है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, करंट है उसके अंदर, तो यही तो वेरिएबल है ना। तो जब SFG में ड्रॉ करेंगे तो हर एक नोड या तो करंट या वोल्टेज को शो करने वाला है। जो SFG में जो आपका नोड है, SFG में जो नोड है वो रिप्रेजेंट किसे करेगा, या तो वोल्टेज या फिर करंट, ये बात तो तय है, क्योंकि वोल्टेज और करंट ही दो ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल्स है आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। इतनी बात क्लियर हो गई है हमें। ठीक है, अब देखिए जरा, जब वेरिएबल की बात आ रही है तो हमें सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे एलिमेंट में। जैसे यहाँ पे मैंने I1 आपको डिफाइंड कर दिया है, किसमें, आपके पहले आपके एलिमेंट में। ठीक है, सबसे पहले आपको एलिमेंट देखना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। सर मेरे पास दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास दो वेरिएबल हैं। इसका मतलब ये दो वेरिएबल मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको कोई सा एक लेना है। ठीक है,
आप टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा फर्स्ट स्टेप रहेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्किट। तो पहला स्टेप लिखिए, फिर हम ड्रॉ करेंगे आपके लिए, फिर धीरे धीरे एग्जीक्यूशन करेंगे। तो स्टेप वन में आपका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहला स्टेप है। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि पहली स्टेप इसमें देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके R, सो R1 ले लीजिए यहाँ पे, सो R1 R2 की जरूरत नहीं है, और दूसरा है L, दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कितने वेरिएबल्स रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर दो रहेगा डिफाइन द वेरिएबल्स इन ब्रैकेट कर लीजिए नोट्स इन SFG। अब एक SFG ड्रॉ करना है जहाँ पे आपको वेरिएबल्स डिफाइंड कर देने हैं। दो वेरिएबल आए इसलिए दो नोड ले लिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट वो आउटपुट के अक्रॉस है। ठीक है, एक आपका इस एक जो वेरिएबल I1 है एक एलिमेंट के अक्रॉस है आपका, और एक आपका इनपुट भी है। तो इनपुट के लिए इनपुट नोड ड्रॉ करते हैं ना, समझ में आ गया बात। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट इनपुट नोड। ठीक है, इनपुट नोड, और बाकी ये अलग कहानी है। ठीक है, इसके अक्रॉस तो आउटपुट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ये एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लिया गया है, एल के रिस्पेक्ट में, जैसा कि मैंने बोला डिफाइन द वेरिएबल्स मतलब नोड्स इनटू द SFG। अब यहाँ बड़ा ध्यान से देखना आप, जरा बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट देखिएगा जरा। हम आपको क्या बोले कि आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड कर दिए मतलब नोड्स डिफाइंड कर दिए SFG में, फिर आगे के प्रोसेस क्या, आगे की प्रोसेस ये है कि आपका जो आपने जो डिफाइन किए हैं वेरिएबल्स उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें उनकी इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब वेरिएबल्स कैसे आपको ये करना है, किसी भी एलिमेंट में वेरिएबल्स कैसे शो करना है, कैसे लेना है, क्योंकि दो वेरिएबल ले सकते हैं, या तो करंट ले सकते हैं या वोल्टेज ले सकते हैं। आपको कैसे लेना, पहले एलिमेंट में करंट, दूसरे में वोल्टेज, तीसरे में आपका अल्टरनेटिंगली करंट वोल्टेज लेना है। एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ, एक बड़ा सर्किट लेंगे तो उसमें उसकी हेल्प लगेगी। जैसे कि पहले एलिमेंट में I1 ले लिया, दूसरे एलिमेंट में वोल्टेज डायरेक्टली V0 इसी के अक्रॉस है ना, तो ये V0 एज इट इज दो एलिमेंट है, तो दोनों के अक्रॉस वेरिएबल आपने ले लिए, कौन कौन, R के अक्रॉस ले लिया आपने I, लेट्स टेक इट I, और आपने L के अक्रॉस ले लिया V, वोल्टेज ले लिया। दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। तो पहला जो नोड है वो कौन से वेरिएबल को शो करेगा, I1 को, और दूसरा V0 को। चलिए ठीक है, तो आपने डिफाइन द वेरिएबल्स कर दिया इनटू SFG। ठीक है, अब देखो I1 को मैंने सिर्फ I ही लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इंटायर को सबसे पहले S डोमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप SFG यानी कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, तो एवरीथिंग इज गिवन इन द S डोमेन। सो आपको पता है कि L जब S डोमेन में जाता है तो LS बन जाता है, ये V0S हो जाएगा, ये VI ऑफ S हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पहले से ही कर लेना है। नाउ पॉइंट नंबर थ्री ये है, राइट द इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल्स बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो आपने डिफाइन, जो आपको दिया गया है उसमें हर एक वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। वेरिएबल कितने हैं आपके पास, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, जो वेरिएबल ध्यान से देखते जाइएगा, एक बार ये समझ लिया ना आने वाले क्वेश्चन धड़ाधड़ करने वाले हैं आप। ठीक है, वेरिएबल जो आपने लिया है प्यारे बच्चों, वो लिया है एक तो करंट लिया है I और दूसरा V। ठीक है, तो पहला I है और दूसरा V नोट में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन लिखेंगे, तो I की इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेज के फॉर्म में, वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे आपके करंट के फॉर्म में। सो राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सो सबसे पहले मैं I की लिखता हूँ, देखो I को, या मुझे बताइए ये I की वैल्यू क्या है,
वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस और नॉट. सो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, वी आई एस माइनस वी नॉट, ये वी नॉट ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे, वी नॉट एस डिवाइड बाई आर, दिस इज नथिंग बट आई और नॉट. टेल मी, ये मैंने कुछ गलत लिखा, कुछ नया लिखा, कुछ स्पेशल लिखा क्या, आउट ऑफ द बॉक्स लिखा क्या? नहीं, आप सभी बच्चों के जो नॉलेज लिमिट में चीज़ है वही मैंने लिखी है. मैंने करेंट की वैल्यू लिखी, दिस आई इज नथिंग बट दिस माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रजिस्टर, सिंपल ओम्स लॉ मैंने लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द रजिस्टेंस इज नथिंग बट द करेंट. ठीक है, तो चलिए आपने करंट लिख दी, यानी कि पहला वेरिएबल, देखो ध्यान से देखा, पहला वेरिएबल आपने वोल्टेज के, करंट है तो वोल्टेज के फॉर्म में डिफाइंड कर दिया. पहले वेरिएबल जो चाहिए उसके इक्वेशन लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया. अभी एसएफजी पे आएंगे. अब दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन कर दीजिए. दूसरा वेरिएबल कौन है? वी नॉट एस है, वी नॉट एस है, वी नॉट एस है. अब मुझे बताइए वी नॉट एस की वैल्यू कितनी है? इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाई विद दिस, सो एल इंटू एस मल्टीप्लाई विद, इसमें करंट कौन जा रहा है? ये आई वन ही करंट जा रहा है ना, ये तो ओपन सर्किट है इसका, तो आई वन करंट ही जा रहा है. सो दिस इज नथिंग बट दिस, ये हो गया इक्वेशन टू. अब देखो ये सेकेंड वेरिएबल है आपका जो कि आपने करंट के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ये फर्स्ट वेरिएबल है जो कि आपने वोल्टेजेस के फॉर्म में डिफाइंड कर दिया. अब एसएफजी ड्रॉ करेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल्स बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और फोर्थ पॉइंट ड्रॉ द एसएफजी based on variable equations, based on variable equations. जो भी variable equation आई है उनको देख देख के आपको SFG draw करना है. ठीक है, देखिए input note बोले तो vi of s, ये input की बात आ गई. ये जो है this is nothing but input area, है ना, ये input है आपका, इनपुट है. ठीक है, अब देखो आपका जो आई है वो क्या है, आपको ऐसा लिख सकते हो डिवाइड बाय आर ऐसा लिख सकते हो ना, तो वी आई एस डिवाइड बाय आर इज नथिंग बट आई. तो ये जो नोड है दिस इज नथिंग बट द एलजेब्रिक समेशन ऑफ द, इसमें जो भी ब्रांचेस आ रही वही ना. तो चलिए एक ब्रांच तो ये आ रही है, तो इस ब्रांच में आपका जो ये जो गेन है इसकी वैल्यू करानी है आपको 1/r, बिकॉज दिस आई इज नथिंग बट 1/r मल्टीप्लाई विथ वी आई एस, 1/r मल्टीप्लाई विथ वी आई एस. अब ये है माइनस v not s डिवाइड बाय r. v not s कहाँ है भाई? यहाँ है, तो यहाँ से माइनस लेके आना है, तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा और इस फीडबैक की वैल्यू है माइनस वन बाय आर. अब आप मुझे बता दीजिए इस i की वैल्यू क्या होगी. इस i की वैल्यू यदि लिखना चाहेंगे तो ये होगी ना, इस पे कौन कौन आ रहा है, 1/r इंटू वी आई एस माइनस वी नॉट बाय आर. तो यही ना इक्वेशन वन है आपकी. देखो आपने आई वन को डिफाइंड कर दिया है. ठीक है, आपने आई वन को डिफाइंड कर दिया है माई डियर फ्रेंड्स, लाइक दिस. ठीक है, तो ये है आपका आई और ये है वी नॉट एस. ठीक, बात समझ में आ गई. अब देखो वी नॉट जो है, वी नॉट को आई को डिफाइन कर दिया ना, अब आप वी नॉट को देखिए. वी नॉट इज नथिंग बट आई मल्टीप्लाई विथ एल एस, तो दिस इज नथिंग बट द वी नॉट. तो आई आ रहा है, एल एस से मल्टीप्लाई कराओ, इसकी वैल्यू एल एस रखो, एल एस इंटू आई इज नथिंग बट योर आउटपुट वी नॉट. सो ये सिंपल सा एसएफजी बन गया आपका, किसका आपका, बताइए मुझे, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, एक लूप देख रहे हैं आप. इसमें कितने लूप देख रहे हैं? एक लूप देख रहे हैं, यस और नो. और आप फॉरवर्ड पाथ देख रहे हैं इसमें, वन. बात समझ में आई? ये सिंपल नेटवर्क का किया तो आपने समझ लिया. अब थोड़ा इस नेटवर्क को मैं बड़ा करूँगा, फिर आपके लिए लिखूँगा, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी. आपने क्या किया, आपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया, उसके बाद ड्रॉ द एसएफजी बेस्ड ऑन द वेरिएबल इक्वेशंस. ठीक है, अब यहाँ से कुछ मैं स्पेशल चीज़ें आपको दे रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे.
जब भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, टेक करंट एंड लिख लीजिए नोट पॉइंट वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, ये नोट पॉइंट होना चाहिए आपका, ये जो है वो नोट पॉइंट होना चाहिए। मतलब जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो आपको करंट और वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर ये सिंपल सा नेटवर्क था, इसमें हमने ये सारी स्टेप्स फॉलो करी और ड्रॉ कर दिया क्या आपका SFG, ड्रॉ कर दिया। अब देखो SFG ड्रॉ करने के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, तो इसका यदि ट्रांसफर फंक्शन आप फाइंड करोगे बोले तो V0S/VIS की वैल्यू को आपसे पूछ ले तो आप क्या एक पाथ बोले तो आपका इसमें पाथ आपने फाइंड कर लिया। पाथ का गेन कितना हो गया LAS × 1/R, एक पाथ है आपका डिवाइड बाय 1 प्लस लूप है आपके पास, दैट इज नथिंग बट LS/R। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा जब अरेंज करके बनाएंगे तो आपके पास आ जाने वाला है कुछ ऐसा आ जाने वाला है। L यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये दिस विल बी आपका हो जाएगा S plus R by L। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज है। ऐसे भी आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना आता है तो आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड यहाँ से आराम से कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते थे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V0S की यदि कोई वैल्यू पूछे तो वोल्टेज डिवीजन रूल आपने पढ़ाई हुआ है, एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ द सोर्स LS × VIS डिवाइड बाई समेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, लाइक दिस। सो ये वी आई को इधर ले आइए तो आपका बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आपकी बन गई LS/R + LS। L यदि कॉमन लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट S + R/L, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन। सेम है भाई, सेम टू सेम है। ठीक है, तो SFG में जब आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कर दिया तो उससे आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यदि देते हैं तो उसे आप SFG से कैसे करेंगे देखिएगा जरा। ठीक है, चीज़ों को आप समझते जाइए, मैंने स्टेप्स अभी आपके लिए नहीं मिटाई, नहीं रफ कर रहा हूँ मैं, स्टेप को देखते हुए अब हम ड्रॉ करेंगे आपका SFG, एक और सर्किट में आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है माई डियर फ्रेंड्स, चलिए आपने सर्किट लिया लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इंडक्टर ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, रजिस्टर ले लिया, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट चाहिए, V0S, दिस इज नथिंग बट V0S। ठीक है, एवरीथिंग इज इन S डोमेन कर देता हूँ मैं आपके लिए, सो दिस इज R1। ठीक है, आपका टाइम डोमेन में दिया गया था, इसको S डोमेन में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट VIS, ये हो जाएगा आपका LS, ये हो जाएगा आपका 1/CS और ये हो जाएगा आपका R2, ये हो जाएगा R2। नाउ अगेन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द SFG। तो SFG में कन्वर्ट करने के लिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है भाई इसमें, 1, 2, 3, 4, चार एलिमेंट्स हैं तो वेरिएबल्स कितने होंगे, 4 वेरिएबल्स विल बी देयर। कितने वेरिएबल, डिफाइन द वेरिएबल्स नोड इन द SFG। तो चार एलिमेंट तो चार उसमें क्या हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स है तो 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि चार एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट में वोल्टेज या करेंट वेरिएबल है, तो चार के लिए चार वेरिएबल्स है, तो 1, 2, 3, 4 4 वेरिएबल्स हो गए, 4 नोड्स। SFG में वेरिएबल जो है वो नोड्स से रिप्रेजेंट होते
हैं, ठीक है। अब इनपुट है इसमें, तो इनपुट नोट के लिए सेपरेटली आपने इनपुट नोट ड्रॉ कर दिया। आउटपुट के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि आउटपुट एक एलिमेंट के अक्रॉस लिया जा रहा है और उस एलिमेंट के लिए आपने ऑलरेडी एक नोड ले लिया है, ठीक है। तो चलिए हमने आपका इनपुट नोड भी ले लिया, उसके बाद डिफाइन द वेरिएबल्स नोड इनटू द एसएफजी कर दिया, राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, राइट द इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन द वेरिएबल्स नोड्स इन एसएफजी एंड इसको कर लीजिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज वेल, ठीक। मतलब ना केवल आपको एसएफजी में नोड डिफाइन करना है, आपको आपको वेरिएबल डिफाइन करना है आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो हमने बोला था करंट और वोल्टेज अल्टरनेटिवली, सो दिस इज नथिंग बट आई वन, इसके अक्रॉस आई वन ले लिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लीजिए, तो ये ले लिया मैंने वोल्टेज वी एस, ठीक है। फिर इसके अक्रॉस करंट ले लीजिए, ये थर्ड एलिमेंट है, तो चलिए आई थ्री लिख दे रहा हूँ मैं, आई थ्री थर्ड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, ठीक है। उसके दो करंट वोल्टेज, करंट इसके अक्रॉस वोल्टेज जो कि ऑलरेडी है वी नॉट एस, बस एलिमेंट खत्म हो गया आपके पास। एलिमेंट आगे भी रहते तो नेक्स्ट एलिमेंट के अक्रॉस करंट, फिर वोल्टेज, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, ऐसे आपको वेरिएबल डिफाइन करने। डिफाइन द वेरिएबल्स नोड इन द एसएफजी हो चुका एंड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज वेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी आपने वेरिएबल्स को डिफाइंड कर दिया है, ठीक है। तो वेरिएबल कौन कौन है भाई, वेरिएबल आप यहाँ लिख दीजिए, तो आपका इनपुट हो गया। सो इनपुट क्या है, इनपुट है आपका वी आई एस, उसके बाद ये है आई आई वन एस लिख सकते हो आप, इसको आई वन लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको वी एस लिख सकते हो, ठीक है। और आपका देखो ये पहले एलिमेंट के लिए है तो इसको वी टू लिख लो, यदि कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए इसको V2 लिख ला हूँ क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड एलिमेंट है ये, ठीक है। तीसरा आपका वेरिएबल है I3, तीसरे एलिमेंट में है तो ये ले लिया। और तो फोर्थ एलिमेंट जो है उसमें है आपका V0S। तो चार वेरिएबल थे, तो चारों मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी और SFG में भी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिएगा जरा, अब है राइट द इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल्स बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब आपको I1 लिखना है, तो I1 क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, I1 हो जाएगी दिस इनटू माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, सो V इन S माइनस V2 S डिवाइड बाय R1, इक्वेशन नंबर वन। I1 को आपने डिफाइंड कर दिया, I1 को आपने डिफाइन कर दिया। अब किसकी बारी, अब V2S की बारी, V2S की बारी किस में है, वो एलिमेंट टू में है। तो एलिमेंट टू जो है V2S, एलिमेंट टू है LS मल्टीप्लाई विथ इसमें जाने वाला करंट, इसमें जाने वाला करंट। अब देखो I1 और I1 इधर से आया, I3 इधर चला गया, तो इसमें इसमें कितना करंट गया, इसमें गया I1 माइनस I3। अलग से I2 नहीं लेना है आपको, अलग से I2 नहीं लेना है, जो वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइंड है उनके रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफाइंड करना है। बात समझ में आ गई माई डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं I1S माइनस I3S, I1S माइनस I3S, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। आपने सेकंड वेरिएबल को भी अच्छे से प्यार से डिफाइंड कर दिया है। नाउ I3 की बारी है, तो I3 को आपने लिखा, I3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेजेस के फॉर्म में हो गया आपका V2S माइनस वी नॉट एस डिवाइड बाई वन बाई सी एस, ठीक है। तो इसको यदि और अच्छे से लिखोगे आप, चलिए लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया, ठीक है। तीन वेरिएबल्स क्या आपने I3S को डिफाइन कर दिया, हाँ। अब फोर्थ वेरिएबल है जो कि है वी नॉट एस, सो वी नॉट एस इज नथिंग बट, वी नॉट एस इज नथिंग बट इसमें जाने वाला करंट जो कि I3 है मल्टीप्लाई विथ R2, सो R2 मल्टीप्लाई विथ I3S, इक्वेशन नंबर फोर। सो चार इक्वेशन मैंने लिख दी है, जैसे इक्वेशन आपने लिख दी, ड्रॉ द एसएफजी बेस्ड ऑन द वेरिएबल इक्वेशंस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द वेरिएबल इक्वेशन चलिए अब देखिएगा जरा, I1 क्या है, V in डिवाइड बाय R1,
I1 is nothing but V in multiply with 1 by R1, ठीक है। देखो I को डिफाइन कर रहे ना, एरो इधर शो कर रहा है I1, उस पर आने वाली सारी इनकमिंग ब्रांचेस का एलजेब्रिक सम, तो I1 जो है आपका है ये V in डिवाइड बाई R1 माइनस V2S, ये है V2S, यहाँ से माइनस लेके आइए और माइनस करिए 1 बाय आर वन, ठीक है। देखिए आई वन की वैल्यू हो गई खत्म। आई वन की इसकी यदि कोई इक्वेशन पूछे अब आपसे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, क्लियर है। अब वी टू पे आते हैं। सो वी टू देखिए जरा क्या है, वी टू है आपका एल एस मल्टीप्लाई विथ आई वन एस। सो आई वन एस इधर आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप एल ऑफ एस से वी टू माइनस आई थ्री इंटू दिस। सो आई थ्री कहाँ है, यहाँ है आई थ्री, तो यहाँ से माइनस ले आइए और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एल एस हो गई, इसकी वैल्यू एल एस हो गई। अब आप देख लो वी टू की वैल्यू क्या है, वी टू की वैल्यू है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आई थ्री पे आते हैं। सो आई थ्री क्या है, आई थ्री है वी टू बाय दिस माइनस वी नॉट बाय दिस। सो वी टू ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे सी एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एस आ जाएगा, ठीक है, वन बाई सी एस ऊपर जाएगा तो सी एस हो जाएगा, और इसको यदि करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस सी एस, ये क्या हो जाएगा माइनस सी एस। तो इक्वेशन हो गई आपकी कंप्लीट किसकी, आई थ्री की। अब वी नोट को देखिए, वी नोट इज नथिंग बट आर टू मल्टीप्लाई विद आई थ्री। सो आई थ्री मल्टीप्लाई विद आर टू, सो दिस इज नथिंग बट वी नोट, और ये हो गया कंप्लीट एस एफ जी। ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट एस एफ जी। सिंपल है ना ड्रॉ करना, सिंपल है ना। अब देखो देखो वेरिएबल्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हो गई बात। अब दूसरा देखो, ये जो ब्रांच का जो गेन है, ये जो ब्रांचेस का जो गेन है, या आपको दिख रहा होगा या तो या ये वन बाय आर को क्या बोलते हैं, एडमिटेंस है ना, ये एडमिटेंस है, एडमिटेंस, ठीक है, या एल एस क्या है, एडमिटेंस है भाई, सॉरी इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। तो ये जो ब्रांच होती है ना, ये शो करती है या तो एडमिटेंस को या इम्पीडेंस को, मतलब इन कॉमन ट्रांसमिटेंस, ठीक है। अब देख लो ये क्या हो गया आपका, आपका हो गया एडमिटेंस, ये क्या हो गया इम्पीडेंस हो गया, तो या तो इम्पीडेंस या एडमिटेंस इसका ब्रांच गेन होने वाला है। एस एफ जी में जो नोड हैं वो वेरिएबल को प्रेजेंट करेंगे, कौन से वेरिएबल, जो आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या तो एलिमेंट के अक्रॉस करंट होगा या एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ड्रॉ करते हैं एक एस एफ जी से, आप एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से एक एस एफ जी किससे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में हमने आपको सिखाया है, आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं गेट का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं इसे कंसिडर करता हूँ।